हाँ बोलो, कौन पूछा? बोलो। हम ईटा देकर भरने के लिए बोले हैं। सुनो, एक मशीन का नाम होता है कटर। जब यहां तुम दाग लगाए दीवार में ऐसे, तो कटर मशीन लगभग लगभग 1.5 इंच अंदर तक जाता है, 1.5 इंच अंदर तक जाता है। आपके पास वो मशीन भी होना चाहिए विंडो लगाने के लिए। अब जो दाग लगाए वहां ऐसे चलावे, मतलब इसका बारीकी से वो सिस्टम को हमने कट कर दिया। वेल्डिंग मशीन में नहीं रहता है वो, कटर एक ही है, केवल ब्लेड चेंज होता है। आपको दीवार काटना है, लोहा काटना है, लकड़ी काटना है, सबका ब्लेड अलग आएगा, तो वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है। कटर मशीन आपको 2100 से 2200 में मिल जाएगा, अच्छे कंपनी का, जो भी हम बता रहे हैं। उसमें आप वॉल कटर एक फीट की है, उसका दाम 30 रुपया है। एक कटर से दो बार कटिंग कर सकते हो, कटिंग कर लिए, अब बीच में वाइब्रेशन पैदा करो, दीवार इससे आगे नहीं बढ़ेगा ना प्लास्टर झड़ेगा। लिख लो। तो लकड़ी फिट कर दिए, लकड़ी फिट करने के बाद हमने उसका डक्ट फिट किया, डक्ट फिट करने के बाद एयर कंडीशन को दो बंदा उठाए, जो हेवी बंदा है वो कंप्रेसर की तरफ रहेगा, जो कमजोर बंदा है वो कंप्रेसर के अपोजिट साइड में रहेगा, क्योंकि कंप्रेसर का साइड भारी होता है और दूसरा साइड हल्का होता है। उसको यूं उठाएंगे, ठीक, बहुत ज्यादा झुक के नहीं उठाएंगे, ऐसे करके उठाएंगे, ऐसे करके नहीं उठाना वरना कमर पकड़ लेगा, ठीक है। जवानी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन बाद में हो सकता है उस तरीके से आप उठा रहे हो तो कमर डिस्क जो है इधर से उधर हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम क्या क्या आएगा, L4 और L5 आप कमर पकड़ के घर में चल जाएंगे, आपसे कोई वर्क नहीं होगा। इसलिए ऑलवेज चुपको मुको जिसको बोलते हैं ना, ऐसे बैठना है, ऐसे बैठ के इस तरीके से उठाना है, उधर से भी उठाएगा और ले आकर जहाँ पे हमने लगाया था लकड़ी उसमें ऐसे डक के अंदर डाल देना है, डक के अंदर वो चला गया, फिर उसमें ग्रिल सेट करना है। ग्रिल सेट करना बहुत आसान है, सामने रखोगे दो लॉक ऊपर दो लॉक नीचे, दो पैक साइड में लगा दो, लग गया, वायरिंग उससे बाहर निकला रहेगा। अब स्टेबलाइजर लो, सोर्स में लगा, उसको ऑन करो, रिमोट लो, रिमोट से उसको ऑन करो, 3 मिनट बाद वो मशीन फैन चलने के बाद कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। किसी किसी मशीन में क्विक स्टार्ट का बटन होता है, वो बटन को जैसे ही दबाएंगे फैन ऑन हुआ और क्विक स्टार्ट दबाए तो कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा। जैसे ही कंप्रेसर ऑन हुआ तो आप वहां बैठ के उसका कूलिंग चेक कीजिए, जिस कस्टमर के यहाँ लगवाए थे उस कस्टमर से बोलिए कि देखिए सर ठंडा वंडा हो रहा है, सब हमने फिट कर दिया, वहां जो कचरा गिरा हुआ था उस कचरे को पॉली बैग में लेके साफ कर देना है, झाड़ू मारना है, पोछा कर देना है। ये हुआ गुड मैनर। बहुत लोग क्या करते हैं, एसी लगा दिए सर ये सब करवा लीजिएगा उसके बाद एसी चलाइएगा, ये गुड मैनर में नहीं है, वो काम आपका है, ठीक है। अब स्टेबलाइजर लगा दिए, विंडो एसी लगा दिए, लेकिन वहां पे सोर्स नहीं है, वो काम आप नहीं करेंगे। आपको बोलना है कि आप सर वहां तक इलेक्ट्रिशियन से सोर्स मंगाइए, मैं आके उसको ऑन कर दूंगा और आपको चला के दिखा दूंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। प्लग लगाने का काम कभी मत करना, सॉकेट लगाने का काम कभी मत करना, वो छोड़ देना टेक्नीशियन पर। वो बोला कि नहीं अब लगा दिए तो चला के दिखा दो, हम बनवा लेंगे, ठीक है, दो तार उनसे मांगो या फिर आपके पास भी होगा एक्सटेंशन, किसी दूसरे प्लग पॉइंट में लगा के उसको चला के दिखा दो कि मशीन, हाँ, किसी मशीन को चलाने के लिए आपका एक्सटेंशन काम कर रहा है, मैंने सर चला दिया है, आप वहां से बनवा लीजिए और यहाँ तक मंगा लीजिए, वो काम मेरा नहीं है हुजूर, वो काम इलेक्ट्रिशियन का है। इसीलिए तो बता रहे हैं कि इस एरिया में विंडो नहीं फिट होगा, इस एरिया में विंडो नहीं फिट होगा, ठीक, इस एरिया में फिट हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर बाथरूम है, बाथरूम से एग्जॉस्ट है, गर्म हवा पीछे जाएगा, स्टॉक एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएगा, तो वहां पे हम विंडो लगा सकते हैं,
लेकिन इधर कहीं नहीं लगा सकते, दोनों दीवार में लगा सकते हैं या तो फिर फ्रंट में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल करता है आदमी, जैसे प्री विजिट में जाते हो कहीं भी, प्री विजिट किसको बोलते हैं आप बताओ? नहीं पता, प्री विजिट किसको बोलते हैं? मतलब प्राथमिक देखभाल, जाके हम उसको देखेंगे कि वहां पे कौन सा एयर कंडीशन लगेगा, जो आप एयर कंडीशन लेके आए हैं वो लगेगा अथवा नहीं लगेगा। अगर विंडो है तो उसको कहाँ सजेस्ट करेंगे कि सर आप तो बोल दें कि यहाँ लगाओ, लेकिन यहाँ लगेगा नहीं, ठीक है? बोलेगा वो बंदा कि इसके बाद 3 फीट की जगह है, आप यहाँ लगा दो। लगा दिए ना, आप वो क्या होगा, ट्रिप करना शुरू करेगा। ट्रिप कैसे करेगा? इसका हीट यहां से निकलेगा, यहीं पे वॉल है तो ये टकराया इसमें दीवार में, मान लो ये 3 फीट है, यहां से निकला गर्म हवा कंडेंसर से दीवार में टकराया, कुछ हवा उड़ के ऊपर गया और कुछ हवा इसी में टकरा गया, तो कंडेंसर क्या होगा, हाई कंडेंसिंग। हाई कंडेंसिंग का मतलब होता है कि मतलब जितना गर्मी उसको रिड्यूस करना चाहिए था वो उतना नहीं कर पा रहा है, और क्या हो रहा है, हाई कंडेंसिंग होके कंप्रेसर को ट्रिप करा दे रहा है। तो कस्टमर फिर तुमको कॉल करेगा कि अरे एसी बहुत जल्दी जल्दी बंद हो रहा है यार, ऐसा तो होता नहीं है, हम लगाए हुए हैं 24 पे, आधा घंटा में ही खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद स्टार्ट होता है, फिर आधा घंटा चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर तो ऐसा हालत हो गया कि 15 मिनट चलता है 15 मिनट बंद रहता है, 15 मिनट चलता है 15 मिनट बंद होता है। तो ये भी आप ही को जानकारी होनी चाहिए, वो कस्टमर को जानकारी नहीं है। कस्टमर वहां पे क्या है, लेमैन, मैंने उसको जानकारी नहीं है इस चीज के बारे में कि क्या होगा। कम से कम जगह विंडो एसी लगाने के लिए या स्प्लिट एसी का आउटडोर रखने के लिए 5 फीट की जगह या 4.5 फीट की जगह होना ही चाहिए। मान लो यहाँ हम विंड स्प्लिट कर दिए और यहीं पे दीवार है तो ये क्या होगा, हाई कंडेंसिंग होगा, लेकिन यहाँ से जो हम लगाए इतना दूरी में आउटडोर, तो ये तो मेरा यहाँ वाला भाग आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 फीट से 5 फीट की दूरी होनी चाहिए, तब आप वहां पे इंस्टॉल करोगे, अन्यथा उनको सजेस्ट करोगे कि कहां पे आपको एयर कंडीशन लगाना है सर जी, ठीक है? जैसे यहां पे स्प्लिट एसी एकदम आराम से लग सकता है, पूछो क्यों, क्योंकि जगह एकदम ऊपर खाली है, आप वहां लगा दो स्प्लिट एसी, वहां लगा दो उसका पाइप खींच के लाओ और आउटडोर वहां लगा दो या यहां लगा दो, हीट ऑलवेज कहां जाता है, ऊपर की ओर, वो निकल जाएगा। लेकिन ये जगह नहीं होता तो अगर स्प्लिट एसी यहां लगाना है तो इसका पाइप ले जाके बाहर करना पड़ेगा और आउटडोर वहां लगाना होगा, और नहीं तो फिर छत में ड्रिल करना होगा। छत में ड्रिल करने के बाद आपको करना क्या रहता है, मोटी मोटी बात को समझ लो, छत में जब भी ड्रिल होगा तो बहुत पहले आप देखे होंगे क्वार्टर में, कभी देखे हैं कोई रेलवे क्वार्टर्स? रेलवे क्वार्टर में जिस रूम में किचन होता था, जैसे किचन का रूम, वहां पे इस टाइप का आपको बना हुआ मिलता है छत के ऊपर, ठीक है? छत के ऊपर इस तरीके का चीज मिलेगा जितने सरकारी क्वार्टर थे। ये सिस्टम ये है कि पानी अगर बरसेगा तो ऐसे बरसेगा, पानी ऐसे आके ऐसे घुसेगा, कभी किसी जिंदगी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये सिस्टम को बनाया गया। ये सिस्टम उस समय मिट्टी का होता था और मिट्टी को इतना जबरदस्त पकाया जाता था कि वो टूटता नहीं था, और वो किचन के ढलैया के साथ उसको सेट कर दिया जाता था ताकि ईंधन का जो धुआं उठे, मसाला का धुआं उठे, इससे ये
हीट ऑलवेज कहाँ जाता है, ऊपर की ओर, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। तो ये बना हुआ आता है, आपको 4 इंची का लोहे का ये बन के आएगा। अब यहां ढलैया फोड़ दी, ठीक, मान लो इसके ऊपर केवल छत है तो वहां से पानी आने लगेगा अगर बढ़िया से हमने फिट नहीं किया तो। अब इसमें 4 दांतें होंगे, एक पीछे है, नहीं दिख रहा है, ऐसे 4 दांत, जैसे ये गोल है ना, 1 2 3 4। अब ढलैया फोड़े, उसमें हम इसको बैठा दिए, सबसे बेस में बैठा दिए। बैठाने के बाद कुछ कॉन्क्रीट का आइटम लेंगे, जैसे छोटा वाला चिप्स जिसको बोलते हैं छर्री, सीमेंट, बालू और कपड़ा धोने वाला सोडा, वो डाल के इसको हम पैक करेंगे। जब पैक हो जाएगा ये, तो 2 दिन में ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि पूछो मत। और नीचे से आपको करना है व्हाइट सीमेंट और पेरिस से इसको पट्टी काट देना है, ताकि वो केवल राउंड दिखे, बाकी जो झड़ा हुआ चीज है वो ना दिखे। अब इससे आपको पाइप लेके जाना होगा, तो पाइप जैसे वो निकलेगा कॉपर वाला, तो यहाँ बेंडर का काम होगा, धीरे धीरे बेंडर से आपको टोटल पाइप को खींचना होगा। एक जन नीचे से ठेलेगा, दूसरा जन बेंडर से उसको बेंड कर करके निकालता जाएगा। क्वार्टर पाइप आराम से निकल जाएगा, लेकिन 1/2, 3/8, 5/8 ये सब को आपको बेंडर के सहारे ही निकालना होगा, नहीं तो पाइप बेंड कर जाएगा। वो बेंड कर दिए तो वहां से निकल गया। अब क्या करना है कि ये वाले मुंह में, ये जो खाली मुंह था, यहाँ पे अब गिलहरी घुस जाएगी, हो सकता है चूहा घुस जाएगा, छिपकली घुस सकता है, सांप घुस सकता है, हो सकता है, जरूरी है किसी घर में सांप, पक्षी भी अपना घोंसला बना देगी। अब वो किसी तरह का बीट करेगी तो कॉपर पाइप क्या होगा, रस्ट लाएगा। रस्ट क्यों लाएगा, उसके मल मूत्र में इतना ज्यादा एसिड होता है कि वहां से छिद्र हो जाएगा। इसलिए हर हाल में इसको आपको पेरिस से जाम कर देना है। जब पेरिस से आप जाम कर दिए इसको, तो ये पाइप आपका जो 2 छोर निकला इसमें आउटडोर कस दिए, और यहां से जो पाइप निकला इसमें इंडोर कस दिए। ये सब मोटी मोटी बातें हैं। आउटडोर तो बाहर ही रहेगा, वो आपके सब जो भी बाहर में दिख रहा है आपको फैन वाला चीज और इतना चौड़ा, वो आउटडोर है। क्या आप मैट्रिक पास बेरोजगार हैं? आपको तलाश है कोई अच्छा सा जॉब का जिसमें आप रोज हजारों कमा सकें? अगर हाँ तो फिर आपके लिए है खुशखबरी। आइए गिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स राय कॉलोनी एम्स रोड फुलवारी शरीफ पटना में, क्योंकि गिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स पेश करते हैं आपके लिए 3 महीने का रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कोर्स, जिसमें आपको सिखाया जाएगा फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव रिपेयरिंग एंड इंस्टॉलेशन, सॉफ्ट स्पोकन और कस्टमर रिलेशन।